जिला मुख्यालय से ठीक 4 किलोमीटर दूर इस ग्राम पंचायत मामोन में 3 वर्षों से नालियां ना बनने से सड़कों पर गंदा पानी फैल रहा है। गंदी नालियों और बाथरूम और शौचालय का गंदा पानी से जो है लोग बीमार हो रहे हैं, जहां ऐसे में संक्रमण बीमारी का भय बना हुआ है। बता दें, विनय प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि इस ग्राम मामोन में विगत 3 वर्षों से नालियां ना बनने से गंदगी फैल रही है, वहीं सड़कों पर गंदा पानी फैलने से लोग बीमार हो रहे हैं। ग्राम पंचायत मामोन में सरपंच और राजस्व पटवारी इस दिशा में मौन बने हुए हैं। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने तत्काल गंदगी साफ करने और नालियों को बनाने के निर्देश दिए। मैं हमारी नाली है जो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो गई है हम लोगों को, ग्रामवासियों को, निकलने में बहुत तकलीफ हो रही है। रास्ते में पूरे में पानी भरा है, इस तरह से भरा जैसे तालाब में पानी भरा था। बच्चे भी निकल रहे थे, वो भी पानी, मुँह निकल रहे वो भी पानी है। शौचालय का कोई साफ पानी नहीं है, शौचालय का पानी उसमें बच्चे निकल रहे, बुजुर्ग निकल रहे, उसी पानी में से कोई गिर रहा है, कोई पानी भरने के लिए जा रहा है तो पानी मुँह निकल रहा है शौचालय के पानी में। गाँव के युवा साथी, हमारी माताएं बहनें लगातार 3 सालों से परेशान हैं। जो सीसी रोड है वहां पे गंदा पानी जमा हो रहा है, जो कि तीन साल से आश्वासन दे रहे हैं कि रोड बनेगी वहां पे। एक तो वहां पे रोड नहीं बनी है और दूसरी तरीके से वहां पे नाली का गंदा पानी, जो टैंकर का गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। जैसे कि हमें अभी सुनने को मिला है कि हैजा से टीकमगढ़ जिले में कई मौतें हुई हैं, अभी फिलहाल में अभी मोहनगढ़ में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। और प्रशासन, जिला प्रशासन आंखें मूंदे बिल्कुल एक बड़ी बीमारी को पैदा करने के लिए बिल्कुल मौन धारण करे हुए।